स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, बात करना चाहूँगी सर के दर्द को लेके, जो अमूमन हर एक व्यक्ति को अब होने ही लगा है। वो या तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा लेने लगा है कामकाज को लेके, या फिर वो किसी सोच में ही हमेशा गुमसुम रहता है, चाहे वो अपना काम भी क्यों ना कर रहा हो, वर्क कर रहा हो ऑफिस का, तब भी कहीं ना कहीं उसको ये डिप्रेशन रहता है कि क्या ये कार्य हो पाएगा, क्या ये कार्य नहीं हो पाएगा। तमाम तरीके की बातें दिमाग में चलती हैं, जिसकी वजह से उसके सर में लगातार दर्द बना रहता है। तो इसके लिए क्या कुछ नुस्खे हो सकते हैं? देखिए, वैसे सोच से हमारा सर दर्द का कोई ताल्लुक नहीं है मेरे नज़दीक। मेरा अनुभव है कि दर्द का ताल्लुक जो है वो नींद ना आने से है। अगर नींद ना आए, आराम पूरा ना मिले जी, या फिर हमारे आजकल तो बहुत रोग चल रहा है सर्वाइकल का, जितने भी सर दर्द के मरीज हैं या तो उन्हें सर्वाइकल है या उनको माइग्रेन भी हो सकता है, लेकिन माइग्रेन तो बहुत बहुत अलग किस्म का दर्द है। कभी कभी ये जब सर में दर्द हो जाते हैं और हम एक गोली लेके खा लेते हैं तो ये सर्वाइकल की वजह से होता है, और नींद ना आने की वजह से सर दुख सकता है। लेकिन सर में कोई ऐसी प्रॉब्लम अक्सर नहीं होती कि इसमें दर्द हो, सिवाय इसके कि उसको माइग्रेन ना हो। तो सर्वाइकल के लिए हम एक्सरसाइज करें, सर्वाइकल की जो मैं अक्सर बताता हूँ वो अच्छा है। तो वो अगर 10-15 दिन लगातार किया जाए तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये दर्द जो हमें अक्सर होता है ये सर्वाइकल की वजह से या किसी और वजह से, लेकिन इसका इलाज भी मुमकिन है।